आप सभी स्टूडेंट का लर्न इट पर स्वागत है। आज हम चालू करेंगे क्लास टेंथ का साइंस यूनिट 5 लाइफ प्रोसेस, और यहाँ से हमारा मेजर टॉपिक जो कि है टॉपिक 1 चालू होता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है टॉपिक 1, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो कुछ ग्लिम्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या है। सेकंड, किस तरीके से खाना खाया जाता है या किस तरीके का न्यूट्रिशन हम लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन सा जगह पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या मेन इवेंट्स या प्रोसेस होती है, स्टोमेटा और स्टोमेटा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फंक्शन करता है स्टोमेटा एक प्लांट के अंदर। तो पहला टॉपिक हमें ये बताता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, एक्सक्रीट करेगा, रिस्पायर करेगा, सांस लेगा या सर्कुलेट करेगा, किसी भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू द बिगर वन। यहाँ पर जब हम सबकी बात करते हैं और ये सारी प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखती है या उसकी पूरी बॉडी को मेंटेन करती है परफॉर्मेंस के लिए, उसको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने न्यूट्रिशन को दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक है प्लांट्स के अंदर और एक है एनिमल्स के अंदर। अब प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स का जो मीनिंग होता है वो इतना सिंपल है कि ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉप्स मीन्स टू टेक इन द फूड, ऑटो मीन्स खुद का खाना खुद प्रोसेस करके लेना, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। अब प्लांट्स की जहाँ तक बात करते हैं तो प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाते हैं और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स हमारे अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी प्रकार का एनिमल अगर है, ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर सेकंड टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स किस प्रकार से अपना खाना लेते हैं या न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे डिपेंडेंट हो। यानी यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, और जहाँ पर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के। इस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ने के लिए हमें पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल का डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि कैसे। इनऑर्गेनिक मटेरियल का जहाँ पर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें आती है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में आती है। और ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की बात करते हैं तो ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ों में आती है। तो यहाँ पर जब डेफिनेशन है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार का अगर न्यूट्रिशन लेते हो जिसके अंदर आप इनऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हो क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए, मतलब ग्लूकोज एट्सेट्रा बनाने के लिए, किस प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको हम बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को या ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ तक एक एग्ज़ाम्पल का बात है तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और हमारे पास ग्रीन प्लांट के अलावा कोई और एग्जांपल्स है भी नहीं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। अब एक और डेफिनेशन बोलते हैं कि ऑटोट्रॉप्स किसको बोलेंगे हम, तो ऑटोट्रॉप्स उनको बोला जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता हो या बनाता हो, मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता हो, उसी को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स के पास ही ये शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स और क्या कर सकते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे किसी की बॉडी को। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
अब आगे एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से हमको सिखाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, जब सनलाइट आती है क्लोरोफिल पे गिरती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसको हम मिक्स करेंगे या वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में। अब यहाँ पर एक एरो है और उसके ऊपर और नीचे लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल। इसको समझना इतना सिंपल है कि अगर ऊपर है नीचे है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6 कार्बन मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं एक फार्मूले में जिसको बोलते हैं C6H12O6। अब ये क्या है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज होने के बाद में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज निकलता है, उसके साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर रिलीज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ही वाटर के भी बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये पूरी इक्वेशन को अगर हम एक साथ रखते हैं तो ये इक्वेशन कहलाती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कच्चे मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जैसे कि हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट, सेकंड लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे है वाटर के स्प्लैश और फोर्थ है ऑक्सीजन। ये सब प्लांट के अंदर जाते हुए दिखते हैं हमको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिलके कैसे काम करती है। तो पहला टॉपिक होता है सनलाइट का। सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो हमें सन से मिलता है, जो जब क्लोरोफिल पे पड़ता है तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और काय का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे शुगर्स का या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। पर इस फॉर्मेशन के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के नीचे प्रेजेंट स्टोमेटा से अंदर जाते हैं। स्टोमेटा दो काम करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री के लिए अंदर लाने के लिए, और एक जब खाना बन जाता है तो उसमें जब फोटोसिंथेसिस के अंदर एक 6 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं तो वो भी कहाँ से निकलते हैं, इस स्टोमेटा की लीव से ही बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक विच इज़ वाटर। वाटर आपको पता ही है कि सॉइल के अंदर डिजोल्व होता है, और वाटर के अंदर बाइंडिंग प्रोडक्ट्स के जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा बहुत सारे मिनरल्स जुड़ जाते हैं। ये मिनरल्स प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी डेली वर्किंग के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है डेली वर्क करने के लिए, डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए, वैसे ही वाटर के अंदर मिनरल्स की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास 4 टॉपिक थे रॉ मटेरियल्स के। द फर्स्ट वॉज सनलाइट, सेकेंड की बात करते हैं तो क्लोरोफिल, थर्ड बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ वाटर। इसमें से अगर एक भी चीज़ को हम हटा देते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी और खाना नहीं बन पाएगा किसी भी प्लांट के अंदर। और अगर प्लांट के अंदर खाना नहीं बनेगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा अपने खाने को हायर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज़म्स के फीडिंग के लिए। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इससे क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं किसी भी प्लांट के लिए, वो होता कहाँ है। तो पहले डायग्राम के अंदर या पहला फिगर जो आपको दिखता है वो एक स्ट्रक्चर है कटा हुआ, किसका, लीव्स का। इस लीव्स को हम बोल सकते हैं कि सैंडविच स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें अपर साइड में लिखा है क्यूटिकल और लास्ट में लिखा है लोअर क्यूटिकल। यानी एक पत्ती के ऊपर साइड में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, कोई गार्ड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, और वहाँ पर सिर्फ जो फर्स्ट लेयर होती है वहाँ पर सेल्स होते हैं, जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लियर होती है। और जैसे ही क्लोरोप्लास्ट से जो चीज़ निकलती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन, वो कहाँ से निकलती है, जो लीव्स का लोअर सेक्शन है यानी पत्ती का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ से आपको ऑक्सीजन की रिलीज़ होती है। अब ये पूरा प्रोसेस जब हम सेकंड डायग्राम के अंदर देखते हैं तो हमें क्लियर समझ में आता है कि फर्स्ट जो सेक्शन है वो है एक लीव्स का है, सेकंड सेक्शन लीव्स का कट पोर्शन है या कटा हुआ पोर्शन है। उसको अगर हम और बड़ा करते हैं तो एक सेल को हम एनलार्ज करके देखते हैं तो वहाँ हमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और सेल वॉल दिखता है प्लांट का। और जब हम क्लोरोप्लास्ट को और बड़ा करके देखते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। इस क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, मतलब चादर होती है। उसके बीच में बहुत सारे सिक्के नुमा जमे हुए ग्रेनम होते हैं, और हर एक ग्रेनम को हम थैलाकोइड बोलते हैं और स्ट्रोमा बोलते हैं। जो भी लिक्विड के अंदर ये थैलाकोइड प्लेस्ड है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो अल्टीमेटली एक लीव्स के अंदर, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है उसके अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है।
इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इवेंट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली होती है। पहला तो ये कि सनलाइट से निकली हुई जितनी भी लाइट एनर्जी है वो कौन अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एक लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को सेकेंड टॉपिक के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और इसी के साथ में वो एक वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट भी करता है यानी ब्रेक करता है। H2O का मॉलिक्यूल जो होता है वाटर मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो बॉडी से बाहर या प्लांट से बाहर रिलीज हो जाता है, और ये हाइड्रोजन जाके किससे मिलता है, थर्ड टॉपिक से, विच इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिडक्शन के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये तीन टॉपिक्स यहाँ के मेन इवेंट्स थे किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या, ये छोटे छोटे दाने होते हैं किसी भी प्लांट की सरफेस पे। काम क्या करते हैं, तो पहला काम होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट, मतलब अंदर आना और बाहर जाने को कौन नियंत्रित करता है, स्टोमेटा करते हैं। एक और चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या जब बोलते हैं कि आप सनलाइट के कारण प्लांट गर्मी सहन नहीं कर पाता, तो वो कौन सी प्रोसेस करता है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करता है। और इस प्रोसेस के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के रूप में कहाँ से निकलता है, इसी पोर्शन से निकलता है, विच इज़ नोन एज स्टोमेटा। एक और प्रोसेस होती है गटेशन, जो कि आपके टॉपिक के अंदर या आपके चैप्टर्स के अंदर नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अगर कभी ज़मीन के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अपने आप पानी वाटर कंटेंट के रूप में प्लांट्स से होता हुआ निकलता है और प्लांट्स की लीव्स से होता हुआ बाहर आ जाता है। जैसे कि ठंड के दिनों में हम लीव्स पे पैर रखते हैं तो हमारे पैर गीले हो जाते हैं, वो किस प्रोसेस के कारण होता है, गटेशन के कारण। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स वेरी वेल, बट फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू रिपीट दिस वीडियो अगेन फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इट्स कंटेंट, give it a thumbs up and don't forget to comment your name in the comment section. If you are unable to understand or is struggling in any of the topic, please write the topic in the comment section. I'll surely try to get to you soon. So for more of such videos, stay tuned to the channel, stay safe, stay healthy, and don't forget to learn it.